हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakzee.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 21। आज हम बेस यूआरएल को कंटिन्यू करते हैं एंड हम देखते हैं कि हम कैसे बेस यूआरएल को यूज़ करते हैं या साइट यूआरएल को यूज़ करते हैं इन कोडिंग राइटर, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम CSS एंड JS की फाइल्स जो है वो कैसे एम्बेड करवाते हैं, कैसे अटैच करवाते हैं अपनी जो है कोडिंग राइटर की एप्लीकेशंस में, या जो भी एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स आप बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं मैदान को ताकि कुछ और चीज़ें हम प्ले कर सकें। तो फ़िलहाल के लिए हम ये भी क्लीन करते हैं एंड ये भी क्लीन करते हैं, ठीक है। इंडेक्स का फाइल इंडेक्स का फंक्शन है बिकॉज़ हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम एक व्यू लोड करवाते हैं जो हमने बनाया था। दिस लोड, आपको पता है कि व्यू कैसे लोड करवा दिया, दिस लोड व्यू, ठीक है। होम के नाम से व्यू हमने लोड करवाया, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं home.php। ऐसा व्यू कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम ऐसा करते हैं कि अपने एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर आते हैं एंड व्यूज़ के अंदर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि होम के नाम से कोई भी हमारा व्यू नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं home.php, ओके। home.php की हमने फाइल बनाई एंड मेक श्योर हम व्यू है तो ये व्यू फोल्डर के अंदर ही रखेंगे, व्यू एंड home.php, ठीक है। जैसे ही हमने home.php की फाइल बनाई, अब हम टाइम बचाने के लिए कॉपी करते हैं कहाँ से, जो हमने अबाउट का एक फंक्शंस बनाया था, ठीक है। ये अबाउट टाइम बचाने के लिए हम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। सेम चीज़ें हैं, HTML स्टार्ट होगा, हेड स्टार्ट होगा, बॉडी स्टार्ट होगी। डायनामिक देने के लिए हम जाहिर सी बात है यहाँ पे डेटा, बिकॉज यहाँ पे देखें आप टाइटल जो है वो डायनामिक है, ठीक है। बेस URL एंड दिस इज़ बेस URL, दिस इज़ बेस URL, ठीक है। उसके बाद में जस्ट एक ही है, ठीक है। देन ये नेम एंड ये ख़त्म कर देते हैं हम, एंड देन जाहिर सी बात है हम सेकंड पैरामीटर में कॉमा देने के बाद सेकंड पैरामीटर में ये वेरिएबल पास करवाते हैं बिकॉज ताकि ये व्यू के अंदर हम सेंड कर सकें, ठीक है। वापस जाएंगे, हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि व्यू पेज सोर्स करके देखेंगे तो डिफरेंट वेरिएबल टाइटल, ओके, बिल्कुल, बिकॉज हम की से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, हम की देंगे इसे टाइटल, बेस URL नहीं। अगर हमने बेस URL दिया हुआ है तो जो एक्सेस करेंगे वहाँ भी बेस URL देना पड़ेगा, ओके। वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ URL आपका आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं या एक एंकर बनाते हैं, एंकर href। फ़िलहाल हम HTML से ही बनाते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि बेस URL है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पर लोड करवाते हैं बिकॉज हम URL हेल्पर की फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। दिस लोड हेल्पर, कौन सा हेल्पर, URL हेल्पर, एंड देन हम क्या करते हैं बेस URL को यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। हम PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट करवाएंगे, एको करवाएंगे बेस URL, ओके। सबसे पहले हम साइट URL को डिफाइन कर देते हैं, साइट ओके, चलो बेस URL ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने बेस URL कहा था, हम साइट URL, बेस URL। अब जाहिर सी बात है बेस URL आपकी जो है वो आपने रूट पे ये रखी हुई है, ठीक है। अब बेस URL जैसे ही यहाँ तक आते हैं हम उसको, उसके बाद पता है कि आप index.php की बारी आती है, देन होम की बारी आती है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई इंडेक्स बेस URL पे ये पहुंच चुका है, ठीक है। एंड इंडेक्स डॉट, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोलर का नेम लिखता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ कि भाई क्लिक
क्लिक में वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं क्लिक में। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जंप कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो होम कंट्रोलर के अंदर ही है, ठीक है। अब देखें, आप इंडेक्स डॉट पी एच पी लगाएँ तो ये आएगा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई किस फंक्शन पे जाओ, टेस्टिंग के फंक्शन पे जाओ, इंडेक्स विदाउट इंडेक्स डॉट पी एच पी का फंक्शन लगाए हुए, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट कर रहा है वो। क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा कि वो क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, बट फिलहाल के लिए बेस यूआरएल वो यहाँ तक पहुँच चुका है आपके रूट पे, बिकॉज आपने रूट डिफाइन किया हुआ है बेस यूआरएल के अंदर, जो कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी की फाइल्स रखी हुई है वहाँ पे बेस यूआरएल का एक एरे रखा हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि होम कंट्रोलर है वहाँ जाओ, टेस्टिंग के नाम से एक जो है वो फंक्शन है वहाँ पर चले जाओ, यूज़र जैसे ही क्लिक करता है तो वो सीधा वहाँ जंप करेगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि एक इमेज उठाते हैं, एंड ये इमेज है एक, एंड हम उसे रखते हैं अपने सेटअप के अंदर, एच टी डॉक्स एंड सी आई, यहाँ पे सी आई एप्लीकेशंस के फोल्डर के अंदर। अब देखें, जो आपका एप्लीकेशंस का फोल्डर है यहाँ पे अगर हम ये पेस्ट करते हैं एंड इसका नेम रखते हैं ए, एंड इसकी टाइप है हमारे पास जेपेग, देखते हैं टाइप क्या है इसकी, इसकी टाइप है हमारे पास व्यू डिटेल, जेपेग है ये, ठीक है। अगर हमने एक लोड करवाना है इमेज तो वो कैसे करेंगे हम, इमेज src, ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई बेस यूआरएल, हम जैसे ही बेस यूआरएल कहेंगे तो वो क्या करेगा, बेस यूआरएल यहाँ पे पहुँच जाएगा, बिकॉज सी आई के फोल्डर के अंदर, सॉरी हमने यहाँ पे गलत रखा हुआ है, बेस यूआरएल रूट ये है हमारा, सी आई के फोल्डर के अंदर ये पूरे का पूरा बेस यूआरएल है, बिकॉज आपने यही दिया हुआ है। हम कहेंगे कि भाई बेस यूआरएल ये यहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ पर ए डॉट जेपैक की इमेज रखी हुई है, उसे एको करवा दें। हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे क्लिक करेंगे तो देखें आपकी जो है एक इमेज है वो लोड हो चुकी है। तो ये बेस यूआरएल का फंक्शंस जो है वो इमेजेस जो है वो नॉर्मली इमेजेस को लोड करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, या जैसे आप यूज़ करना चाहें आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद में साइट यूआरएल होता है हमारे पास, साइट यूआरएल एंकर एचआरएफ, टाइम बचाने के लिए कॉपी करते हैं यहाँ से चीज़ें, एंड यहाँ पर आते हैं हम, इसे कहते हैं कि साइट यूआरएल हम कहते हैं कि टेस्टिंग की तरफ जाओ, होम कंट्रोलर है उसके अंदर जो है वो टेस्टिंग है, उस पर चले जाओ आप, ठीक है। हम इमेज को जो है वो फ़िलहाल के लिए करते हैं रिमूव, एंड इसे भी हम रिमूव करते हैं जो ऊपर हमारा बना हुआ है। अब एक ही है, हम साइट यूआरएल यूज़ कर रहे हैं, क्लिक करेंगे तो देखें ये वहीं पर आ रहा है, बिकॉज साइट यूआरएल होम एंड टेस्टिंग, ओके नाउ इट्स फाइन। ये देखें साइट यूआरएल आपका बिल्कुल आ रहा है। साइट यूआरएल में नॉर्मली क्या होता है कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट आप देते हैं कंट्रोलर, देन फंक्शंस, एंड उसके बाद में जो है पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर होगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, ये तो जस्ट बेसिक था ताकि हम जब एम्बेड करवाने जाए अपनी CSS एंड JS की फाइल तो आपको अंदाज़ा हो कि हम क्या कर रहे हैं। इसी वजह से आपको जो है ये बेस यूआरएल एंड साइट यूआरएल का मैं कह रहा था बताना पड़ा हमें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे CSS एंड JS की फाइल्स को जो है वो अपलोड करते हैं या अटैच करते हैं इनकोडिंग राइटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ, तो प्लीज़ काइंडली मुझे जस्ट सेंड एन ईमेल या मुझे एक मैसेज करें या वट एवर, जैसे भी आप मुझसे इंटरेक्शन करना चाहें या जैसे भी आप कर सकते हैं। तो मुझे अपनी कीमती राह से आपका फीडबैक इसी वजह से बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।